सुजुकी भी स्टॉर्म एसएक्स 250 स्पोर्ट एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल। तीन कलर ऑप्शन आपके लिए इसमें हैं, ब्लैक, ऑरेंज और ये येलो कलर। कुछ फीचर्स हैं इस मोटरसाइकिल में, जैसे कि बिग डिज़ाइन, न्यू ग्राफिक्स, एलईडी हेडलाइट्स एंड टेल लाइट्स, नकल कवर्स, विंडस्क्रीन, सेपरेट सीट, डुअल एग्जिस्ट मफलर, इंजन अंडर काउल, साइड स्टैंड इंजन कटअप, ब्लूटूथ एनेबल, डिजिटल कंसोल, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, शो गियर नंबर, यूएसबी आउटलेट, डुअल चैनल एबीएस, ट्यूबलेस टायर और रियर कैरियर। दोस्तों इस मोटरसाइकिल में और भी बहुत कुछ है, तो हम जानेंगे डिटेल में। बाइक की फ्रंट साइड में यहाँ पर आपको मिलते हैं एक क्लियर विंडस्क्रीन, क्योंकि एक टूरिंग बाइक है। नीचे यहाँ पर है मेटल मेट नंबर प्लेट सेक्शन और नीचे है एलईडी हेडलाइट सेटअप, लेकिन इसमें एलईडी डीआरएल नहीं है। दोस्तों इस बाइक की जो बाहरी ढांचा है फुल फाइबर मेड है, कहीं पर भी मेटल नहीं है। यहाँ पर वी स्ट्रॉक एसएक्स लिखा गया है और नीचे की ये जो मडगार्ड है ये भी फाइबर मेड है। इस बाइक में आपको मिलते हैं एसओसीएस मतलब कि सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम और एसीपी मतलब कि सुजुकी इको परफॉर्मेंस जो यहाँ पर लिखा गया है, तो इससे आपको मिलते हैं बेहतरीन राइडिंग एक्सपीरियंस। दोस्तों इस बाइक की जो ऑन रोड प्राइस है 2,62,192 और इसकी डाउन पेमेंट है 90,000 रुपीज़। शोरूम का नाम है श्री सुजुकी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, तो प्लीज़ उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। बाइक की फ्रंट साइड सस्पेंशन में है टेलीस्कोपिक कॉइल स्प्रिंग ऑयल डंप पेड 120mm स्ट्रोक के साथ, और यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में मिलते हैं डिस्क ब्रेक और साथ ही इसमें है डुअल चैनल एबीएस, वो भी बाइब्री की ब्रेकिंग सिस्टम आपको इसमें मिलते हैं। 100x90 19 इंच की ट्यूबलेस टायर आपको इसमें मिलते हैं 10 spoke ब्लैक कलर एलॉय व्हील के साथ। बाइक की रियर साइड सस्पेंशन में है 7-step एडजस्टेबल स्विंग आर्म टाइप कॉइल स्प्रिंग ऑयल डंप पेड सस्पेंशन, और रियर साइड में भी आपको यहाँ पर डिस्क मिलते हैं 220mm की डिस्क रियर साइड में है, और साथ ही इसमें आपको मिलते हैं 12-channel ABS यूनिट, बाइब्री की ब्रेकिंग सिस्टम, और रियर साइड में आपको मिलते हैं 10 spoke ब्लैक कलर अलॉय व्हील, और टायर सेक्शन इसमें है 140x70 17 इंच की ट्यूबलेस टायर। बाइक की फ्रंट और रियर साइड में दोनों ही तरफ जो ब्रेक ऑयल आपको डालना है वो है .4। फुल डिजिटल मीटर कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन के साथ, और इसमें है टाइम, सर्विस रिमाइंडर और शो गियर नंबर और बहुत कुछ। यहाँ पर देखिए दो स्विच है नीचे की ओर, मोड स्विच को दबाएंगे तो ये पेयरिंग करने के लिए कहेगा आपसे मोबाइल के साथ ब्लूटूथ के जरिए। ऊपर की ओर जो सिलेक्ट बटन है इसे दबाइए तो देखिए यहाँ पर ट्रिप ए है, ये बदल के हो जाएगा एवरेज ए, फिर ट्रिप बी एवरेज बी, फिर यहाँ पर हो जाएगा देखिए किलोमीटर पर लीटर, बैटरी वोल्टेज और फिर से किलोमीटर, और फिर से वहीं पर आ जाएगा। तो दोस्तों ये फीचर्स इसमें हैं। इस बाइक के हेडलाइट सेक्शन के करीब लेफ्ट साइड में यहाँ पर है यूएसबी चार्जिंग आउटलेट, तो यहाँ पर एक हुक है, तो इस कैप को मैं इस हुक में चढ़ाता हूँ, फिर मैं इसे ऑन करूँगा चाबी को, तो देखिए यहाँ पर ब्लू कलर ऑन हो जाएगा, तो रात में आप इसे अच्छी तरीके से देख पाओगे। इस बाइक में आपको मिलते हैं वाइड हैंडल बार, लेकिन इसकी हाइट कम है तो सैडलिंग के दौरान शायद आपको परेशानी हो, लेकिन फिनिशिंग बहुत ही बेहतर है फुल ब्लैक कलर के साथ। दोस्तों इसमें आपको प्री इंस्टॉल ये नकल गार्ड भी मिलते हैं जो दोनों ही तरफ है, फुल फाइबर मेड है। इसमें है फुल मेटल हैंडल बार इंड, इसमें ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया है। ग्रिप ठीक ठाक है। दोस्तों क्लच में आपको स्लीपर क्लच तो नहीं मिलते हैं, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट क्लच है इसमें। पास बाय येलो कलर में हाई बीम लो बीम स्विच, साइड इंडिकेटर और नीचे है हॉर्न स्विच। दोस्तों इस तरफ अगर आप देखते हो तो राइट साइड में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे डुअल थ्रॉटल वायर, जो बहुत ही बेहतर बात है इसमें। बाइक की राइट साइड में वो ही सेम नकल गार्ड है फाइबर मेड, हैंडल इन बार वेट है ब्लैक कलर मेटल मेड, थ्रॉटल ग्रिप में क्विक रेस्पॉन्स है, हैंड ऑपरेटेड फ्रंट ब्रेक इसमें सॉफ्ट है, इंजन किल स्विच ऑन स्विच है, नीचे है सेल्फ स्टार्ट स्विच, लेकिन इसमें ना तो हैजर्ड स्विच है और ना लाइट ऑन ऑफ स्विच। बाइक की फ्रंट साइड में है एक सिंगल हॉर्न जो काफ़ी लाउड है, और इसमें इंस्टॉल्ड है वर्टिकल ऑयल कूलिंग सिस्टम सुजुकी की एसओसीएस, और इसमें आपको मिलते हैं इंजन गार्ड फुल मेटल मेट, जो ये पार्ट है बहुत ही मजबूत है। साथ ही इसमें आपको मिलते हैं साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर जो यहाँ पर इंस्टॉल्ड है।
दोस्तों इस मॉडल में आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता है, बस सेल्फ स्टार्ट सिस्टम इस मोटरसाइकिल में है। और इंजन में आपको यहाँ पर मिलते हैं 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 4-वाल्व ऑयल कूल्ड एसोसिएशन BS6 FI इंजन। डिस्प्लेसमेंट है इसमें 249 cc, मैक्सिमम पावर 26.5 PS, मैक्सिमम टॉर्क है इसमें 22.2 Nm, 6-स्पीड गियरबॉक्स 1-डाउन-5 आपके साथ। बाइक की जो डुअल एग्जिस्ट मफलर है इसमें क्रोम बदल के आप इसमें डाला गया है ब्लैक कलर फुल फाइबर में। आइए अब हेडफोन पहन लीजिए। बाइक की राइडर फुटरेस में रबर का इस्तेमाल किया गया है ऊपर की तरफ और नीचे की ओर मेटल है। दोस्तों इस बाइक में आपको मिलते हैं एक मेटल मेट एंकल गार्ड और एक ब्रेक लीवर मेटल मेट और यहाँ पर एक गार्ड सेक्शन है ताकि पैर आगे की ओर ना जाए। लेफ्ट साइड में भी वही सेम डिज़ाइन आपको इसमें मिलते हैं, रबर मेट और नीचे की ओर मेटल। यहाँ पर है गियर शिफ्टर और साथ ही इसमें भी आपको मिलते हैं एक एंकल गार्ड मेटल मेट। पिलियन फुटरेस में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही मजबूत है और साथ ही ये बॉडी के साथ जुड़ा है और इसमें भी एंकल गार्ड आपको मिलते हैं। बाइक की लेफ्ट साइड में पीछे की ओर है एक हेवी बिल्ड साड़ी गार्ड मेटल मेट। साथ ही यहाँ पर टायर प्रेशर है दोस्तों, हमेशा इसी प्रेशर को रखो, इससे माइलेज और ब्रेक आपको हमेशा बेहतर मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर है हाई क्वालिटी चेन, एवरी 500 किलोमीटर के बाद आप इसे क्लीन और लूप ज़रूर करो, इससे 30,000 किलोमीटर तक ये चेन चल जाएगा आपके साथ। दोस्तों यहाँ पर है फाइबर मेट चेन कवर और ऊपर है फाइबर मेट मड गार्ड, लेकिन पीछे की ओर रियर हगर नहीं है इसमें। बाइक की फ्रंट हेडलाइट सेटअप इसमें है फुल LED, वो भी ऑटो हेडलाइट ऑन के साथ, लेकिन इसमें LED DRL नहीं है। चारों के चारों साइड इंडिकेटर्स इसमें बल्ब हैं और रियर ब्रेक लाइट आपको मिलते हैं फुल LED 12V 6Ah मेंटेनेंस फ्री बैटरी के साथ। और नीचे की ओर यहाँ पर है LED नंबर प्लेट लाइट। बाइक की जो पेट्रोल टैंक है दोस्तों फुल फाइबर मेट है, इसमें कहीं पे भी बाहरी तरफ मेटल नहीं है। इसमें डुअल टोन कलर है ब्लैक और येलो। 12 लीटर पेट्रोल कैपेसिटी इसमें है जो मेरे हिसाब से एकदम ठीक है, काफ़ी है, क्योंकि इसके माइलेज भी बहुत ही बेहतर है, सिटी में 35 और हाईवे में 40+ आराम से। बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस है 205 mm और इसकी सीट हाइट है 835 mm, लेकिन एक सीट आप एक्सेसरीज में परचेस करके इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, जिसे सुजुकी कह रहा है लो हाइट सीट असेंबली, उसे इसमें इंस्टॉल करने के बाद इसकी हाइट हो जाएगा 810 mm। दोस्तों सीट काफ़ी चौड़ा है, राइडर हो या फिर पिलियन दोनों के लिए, सीट ना तो सॉफ्ट है और ना तो हार्ड, तो लॉन्ग राइड के लिए एक बेहतर सीट क्वालिटी आपको इसमें मिलते हैं। पीछे की ओर देखिए डुअल टोन कलर आपको इसमें मिलते हैं और यहाँ पर ब्रांडिंग है SX की, तो एक बेहतर सीट आपको इसमें मिलते हैं सेपरेट सीट। और पीछे की ओर एक आपको मिलते हैं मेटल मेट कैरियर, तो आप इसमें कुछ सामान भी कैरी कर पाओगे लॉन्ग डिस्टेंस के दौरान। तो दोस्तों आखिर में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, आप में से जिनको सुजुकी बहुत ही पसंद है तो सुजुकी आपके लिए लाया है एक स्पोर्ट्स एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल। हाँ बिल्कुल, इसे लेके आप सिटी टू सिटी राइड करो, आप ऑफिस जाओ, आप वीकली राइड करो, या फिर आप कोलकाता से जाओ दार्जिलिंग, मुंबई, दिल्ली, या फिर आप जाओ लद्दाख, लेकिन अच्छे रोड कंडीशन में, क्योंकि इसे लेके आप ऑफ रोडिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसे बनाया गया है एडवेंचर टूरिंग के लिए, ऑफ रोड के लिए ये मोटरसाइकिल नहीं है। और दोस्तों इस बाइक की जो वजन है बहुत ही कम है, 167 kg। तो हम मिलते हैं नए अपडेट के साथ, थैंक यू।